तो फ्रेंड्स, हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे नंबर हैं जिसकी वैल्यू लगातार बढ़ती ही जा रही है, जैसे पाई, फाई, ई, रूट अंडर टू, ईटीसी। ये वो नंबर है जिसकी आज तक कोई फाइनल वैल्यू नहीं बता पाया। इसकी वैल्यू लगातार आज भी फाइंड की जा रही है। लाइक पाई की हमने 13 ट्रिलियन से भी ज्यादा डिजिट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और आगे भी हम इसे इनफाइनाइट तक फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनकी डेसिमल के बाद लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है, और ऐसे नंबर को हमने मैथ में एक अलग कैटेगरी में रखा है जिसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, जैसे पाई, फाई, ई, रूट टू, ये सब इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। एंड इरेशनल नंबर की कैटेगरी हमारे यूनिवर्स के वर्किंग के लिए काफी जरूरी होती है। लाइक किसी भी सर्किल में पाई की वैल्यू का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर आप कोई सर्किल बना लेते हो तो कहीं ना कहीं उस सर्किल में पाई छुपा होगा। मतलब आप फिजिकली कोई सर्किल बनाते हो तो उसमें पाई छुपा होता है, आप चाहे या ना चाहे। कोई भी सर्किल तभी परफेक्ट सर्किल होती है जब उसके सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का रेशियो एक कांस्टेंट नंबर होता है। चाहे सर्किल छोटा हो या बड़ा हो, इस कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा सेम रहता है, और उस कांस्टेंट नंबर को नाम दिया गया पाई, जिसे ग्रीक भाषा में 16th नंबर पर डिनोट किया जाता है। अब हम ये तो जान ही गए हैं कि किसी भी सर्किल में एक कांस्टेंट नंबर हमेशा रहता है, लेकिन उस टाइम लोग पाई का वैल्यू नहीं जानते थे। बट क्या आप जानते हैं कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम आज भी नहीं जानते हैं। पाई की वैल्यू को निकालने की बहुत कोशिश की गई, जैसे सुपर कंप्यूटर के द्वारा, और कई लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी पाई की वैल्यू निकालने में लगा दी, बट पाई का एग्जैक्ट वैल्यू हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। आखिर पाई की वैल्यू हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है, एंड इसका वैल्यू निकालना इतना मुश्किल क्यों है। बट उससे पहले हमने स्कूल में पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी है। बट फ्रेंड्स, आपने जो पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी है वो गलत है। दरअसल पाई एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विदाउट पाई के वैल्यू के हम स्पेस में कोई मिशन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अभी तक आपने जो 22/7 पढ़ा है वो क्या है। अगर किसी भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस 22 यूनिट हो तो उसको परफेक्ट सर्किल बनाने के लिए उसका डायमीटर 7 यूनिट होना चाहिए, और सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का रेशियो ही वो कांस्टेंट होता है जिसे हम पाई बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं जो अभी तक हमने स्कूल में पढ़ा वो गलत क्यों है। दरअसल हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ ये आएगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बट पाई की असल वैल्यू तो कुछ इस प्रकार है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का सुपर कंप्यूटर जो पाई की डेसिमल के बाद 5 ट्रिलियन वैल्यू निकालने में सफल रहा। बट सुपर कंप्यूटर के द्वारा पाई की इतनी वैल्यू निकालने के बावजूद पाई की वैल्यू अभी तक अधूरी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाई, जिसकी डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट है, क्या पाई की आखिरी डिजिट भी हो सकती है, और अगर होगी तो उसका क्या वैल्यू होगा। मतलब कि पाई का कोई अंत है, अगर हाँ तो उसका कहाँ पर अंत होगा और कब होगा। जिस तरह हमने पाई की ट्रिलियंस ऑफ वैल्यू निकाली है, क्या ये सब करना जरूरी था या इसके पीछे कोई मिस्ट्री छुपी हुई है। तो एक डेटा के अनुसार नासा पाई का सिर्फ 40 डिजिट का केवल यूज करता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो पाई की ट्रिलियंस ऑफ वैल्यू निकाल दी है, तो इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी पाई की 40 डिजिट का ही क्यों यूज करती है। अगर हम पाई की सिर्फ 40 डिजिट तक का ही यूज करके विजिबल यूनिवर्स के सर्कमफ्रेंस को निकालें तो उस सर्कमफ्रेंस में केवल एक हाइड्रोजन एटम के साइज जितना एरर होगा। सोचिए, एक यूनिवर्स के स्केल पर पाई का सिर्फ 40 डिजिट से ही इतना कम एरर आया, और इतने कम एरर को हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि हम 40 डिजिट से ही इतना प्रिसाइज मेजर कर सकते हैं, तो हमने ट्रिलियंस ऑफ वैल्यू फाइंड करने में अपना टाइम वेस्ट क्यों किया। तो चलिए बात करते हैं, पाई की ट्रिलियंस ऑफ वैल्यू से हमें कुछ फायदा नहीं होता, बल्कि इतनी ज्यादा वैल्यू को फाइंड करने से हमारा कंप्यूटर की कंप्यूटरिंग प्रोग्राम काफी ज्यादा अमाउंट में वेस्ट हो जाती है। तो जब इसका यूज ही नहीं है तो हमने इसे फाइंड क्यों किया। तो इसका आंसर है, ये पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कि हम अपने कंप्यूटर के कैलकुलेशन पावर को चेक करते हैं। जो कंप्यूटर पाई की जितनी ज्यादा वैल्यू को फाइंड कर सकता है उसकी कैलकुलेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। तो कुल मिला के अभी पाई की लार्ज वैल्यू के द्वारा हम कंप्यूटर को टेस्ट करते हैं कि कौन कंप्यूटर बढ़िया है।
बट पाई की वैल्यू हमेशा 3 और 4 के बीच में रहेगी, चाहे वो इनफाइनाइट ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पाई डे भी मनाया जाता है और वो 14th मार्च को मनाया जाता है। लेकिन पाई डे 14th मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर पाई के वैल्यू में ही छुपा हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 14th मार्च को पाई डे सेलिब्रेट करने का एक फिक्स्ड टाइम है, और वो है 2:59 पे। पाई डे इसी समय सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इसके लिए हमें पाई की वैल्यू को आगे बढ़ाना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये कोई इत्तफाक है या कुदरत का कोई करिश्मा? फिजिक्स की दुनिया के किंग सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी जन्म 14th मार्च को ही हुआ था। और आपको एक और इत्तफाक बताऊं, 14th मार्च को 21st सेंचुरी के महान वैज्ञानिक सर स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ये कोई इत्तफाक है या इसके पीछे कोई मिस्ट्री है? प्लीज कमेंट में बताना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।